कि व्यासदेव बहुत बड़े ऋषि थे और अपने समय उनका बहुत बड़ा सम्मान रहा होगा, क्योंकि वेद को उन्होंने संकलित कर चार भागों में, चार पुस्तकों में से विभाजित किया, और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो उन्होंने वेद का विभाजन किया और उसके बाद उन्होंने महाभारत की रचना की 1,00,000 श्लोकों में। तो कहते हैं सब कुछ करने के बाद व्यासदेव खिन्न मन से बैठे हुए थे दास, और नारद मुनि उनके पास आए। नारद जी आकर के कहते हैं, क्या बात है, इतने बड़े ऋषि और इतने बड़े लेखक उदास क्यों? तो कहते हैं कि मैंने इतना कुछ किया जीवन में लेकिन मन उदास है। नारद जी कहते हैं कि आपने ईश्वर की स्तुति नहीं की, भगवान के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा। जिस पुस्तक में भगवान के बारे में नहीं हो, वह पुस्तक कौवे के खाने के समान है। कौवे को जूठा फेंका जाता है ना। कथा है कि व्यासदेव अनुतप्त हो गए और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी लेखनी फिर उठाई और उन्होंने रचना शुरू की श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है। स्कंद का अर्थ होता है पुस्तकें, जैसे रामायण में उन्हें कांड कहते हैं, यहाँ स्कंद कहते हैं। भागवत कथा केवल संक्षेप में आपको कहें, श्रेष्ठतम भक्ति ग्रंथ है संसार में, भारत में नहीं पूरे विश्व में श्रेष्ठतम भक्ति ग्रंथ है। उदाहरण के लिए अगर आप केवल श्रीमद् भागवत पढ़े, केवल, बाकी ग्रंथों को अगर आप छोड़ दें, आप वेद नहीं पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़े, रामायण महाभारत नहीं पढ़े, वो हनुमान चालीसा और ये सब नहीं पढ़े केवल, तो हिंदू धर्म में जो कुछ भी है धर्म और मोक्ष के मामले में आपको इसमें मिल जाएगा, क्योंकि भक्ति की पराकाष्ठा श्रेष्ठतम भक्ति ग्रंथ।